भोजपुरी सिनेमा से राजनीति में कदम रखने वाली एक्ट्रेस काजल निषाद अब सपा के टिकट पर कैंपियरगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। काजल भोजपुरी फिल्मों के अलावा कई टीवी सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। टीवी के मशहूर सीरियल लापतागंज से काजल निषाद को एक अलग पहचान मिली थी। एक बार फिर काजल समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव में उतरी हैं और वो गोरखपुर जिले की कैंपियरगंज सीट पर अपनी किस्मत आजमाएंगी। इससे पहले वो 2012 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने 27 जनवरी को यूपी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में पार्टी ने 56 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इसमें 5 महिलाएं हैं, जिनमें से एक नाम भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद का भी है, जिस पर सपा ने अपना भरोसा जताया है। आपको बता दें कि भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद 7 अगस्त 2021 को अपने 1000 समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुई थी। काजल को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। बता दें कि काजल निषाद मुंबई की रहने वाली हैं। उनके माता पिता कच्छ गुजरात से हैं। काजल ने गोरखपुर जिले के भाऊपार गांव के रहने वाले भोजपुरी फिल्म निर्माता संजय निषाद से शादी की है। काजल निषाद का नाम एक विवाद में काफी उछला था। इतना ही नहीं, अभिनेत्री काजल निषाद साल 2012 में कांग्रेस के टिकट पर गोरखपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ी थी, पर इन चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। अभिनेत्री काजल निषाद सोशल मीडिया पर सीएम योगी और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार निशाना साधती रहती हैं।